हेलो दोस्तों, वेलकम टू वेल्थ भाई। आज का हमारा टॉपिक है कि हम अपने बैंक के लॉकर में एक्स्ट्रा लॉक कैसे लगा सकते हैं। पहली बात आपको जाननी होगी कि आपके लॉकर में कितने लॉक्स हैं, क्योंकि हमें यही नहीं पता होता। क्या आपने कभी सुना है कि आपके बैंक के लॉकर में एक नहीं, दो नहीं, तीन लॉक होते हैं? कैसे पता होगा, क्योंकि हमें तो एक ही चाबी दी जाती है। जी हाँ, हमारे बैंक लॉकर में एक एक्स्ट्रा थर्ड लॉक भी होता है, जिसे रेंटर्स पर्सनल लॉक कहते हैं। अब सवाल ये है कि हमें इस एक्स्ट्रा लॉक की क्या ज़रूरत है, अगर हमारे लॉकर में पहले से ही दो लॉक हैं तो। बैंक लॉकर सुरक्षित तो हैं, पर अगर बैंक में चोरी होती है तो ये लॉक्स किसी काम के नहीं होते। वहाँ ये एक्स्ट्रा लॉक आपके लॉकर को सेफ करता है। इस एक्स्ट्रा लॉक से हम अपने सिक्योरिटी को 10 times और बढ़ा रहे हैं, जिससे हम सेफ रहें। क्योंकि जितनी ज़्यादा सिक्योरिटी, उतनी कम चोरी या दुर्घटना होने के चांसेस होते हैं। चलिए, यहाँ मैं आपको कुछ सेफ्टी पॉइंट्स बताऊंगी, जिससे आप अपने बैंक के लॉकर में सावधानी बरत सकते हैं। हमेशा अपना लॉकर तब खोलें जब वहाँ कोई नहीं हो। इस बात का भी ध्यान रखें कि बैंक का भी कोई एम्प्लॉय वहाँ ना हो जब आप अपना लॉकर खोलें। इस बात का भी ध्यान रखें कि आपके लॉकर एरिया में सारी सिक्योरिटी सर्विसेज हों, जैसे कि अलार्म बजना, CCTV कैमरा एक्सेट्रा। थोड़े थोड़े टाइम में जाकर अपना लॉकर ज़रूर चेक करें कि आपका सामान सब सुरक्षित है या नहीं। लॉकर एरिया से निकलने से पहले ये ज़रूर चेक कर लें कि आपने लॉकर अच्छे से लॉक किया है या नहीं। कोशिश करें कि दो लॉकर्स लें, जिससे कि आपकी चीज़ें मिक्सअप ना हो। एक लॉकर इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के लिए रखें और दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ों के लिए, जैसे कि गोल्ड, डायमंड एक्सेट्रा। बैंक लॉकर्स वही चुनें जिस बैंक पे आपको बहुत भरोसा हो, आपके घर या ऑफिस के आसपास हो, जिससे आपको विजिट करने में भी आसानी हो। ध्यान रहे कि जो आपके इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उनको लैमिनेट करा के रखें, जिससे वो ख़राब ना हो अगर वो लंबे समय के लिए रखे जाएं। जितनी भी चीज़ें हैं लॉकर में, उसका ध्यान रखें कि आपने कितना सामान रखा है। लॉकर लेने से पहले सारी फॉर्मेलिटीज एंड अग्रीमेंट्स पूरा क्लियर कर लें, जिससे फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आपने लॉकर के लिए अप्लाई किया हुआ है और वो वेटिंग में है, तो अपना वेटिंग नंबर पूछें। बैंक से अपने लॉकर की गाइडलाइंस ज़रूर लें, कहीं उन्होंने उसमें कुछ मैंडेटरी ना रखा हो, तो ये सब पहले चेक करें। चलिए बात करते हैं कि ये एक्स्ट्रा लॉक क्या है और इससे हम कैसे लगा सकते हैं, जिससे हम अपना लॉकर की सिक्योरिटी को टाइट रख सकें। देखिए, यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि बैंक लॉकर्स में तीन लॉक हैं। पहला है मेन लॉक, जिसकी चाबी आपको दी जाती है। दूसरा है बैंक लॉक, जिसकी चाबी बैंक वालों के पास होती है। एक और यहाँ पे तीसरा एक्स्ट्रा लॉक दिया हुआ है, जो एक्स्ट्रा गोदरेज का लॉक है। यह लॉक आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसे लगवाने के लिए आपको गोदरेज कंपनी से ही कॉन्टैक्ट करना होगा। इस थर्ड लॉक की बिल्कुल बैक साइड पे देखिए, यहाँ इस लॉक को फिक्स करके लगाया जाता है और इन स्क्रूज को टाइट कर दिया जाता है अच्छी तरह से। चलिए आगे बढ़ते हैं कि हम इस लॉक को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं अपने बैंक लॉकर में। तो दोस्तों, दो तरीके हैं इस लॉक को लगाने के लिए। पहला, आप इसे खुद लगा सकते हैं। दूसरा, आप इसे डायरेक्ट गोदरेज कंपनी से कॉन्टैक्ट करके भी लगवा सकते हैं। यहाँ मैं आपको बहुत ही सीधा तरीका बता रही हूँ, जिससे आप इस लॉक को खुद अपने लॉकर में फिट कर सकते हैं। जो तीसरा की होल दिखाया गया है, उसे खोलिए। उसके बैक साइड में
इस एक्स्ट्रा रेंटल्स पर्सनल लॉक को फिट कीजिए और इनके स्क्रूज को टाइट कर दीजिए अच्छी तरह से। जब आप इस एक्स्ट्रा लॉक को फिट कर लेंगे तो देखिए ये बाहर से कैसे दिखता है। इस पिक्चर में जो आपको ये पर्सनल लॉक की दिखाया गया है, ये आपकी एक्स्ट्रा की है। इस पिक्चर में आपको अच्छे से दिखाया गया है कि ये लॉक कहाँ फिट होगा और जो स्क्रूज दिखाए गए हैं इन्हें टाइट से बंद करिएगा। क्या हमें इस लॉक की सच में ज़रूरत है या क्या हमें इसे अपने लॉकर में लगाना चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल लगाना चाहिए। दोस्तों, आप इस लॉक को खरीदने के लिए या अपने लॉकर में इंस्टॉल करने के लिए डायरेक्टली गोदरेज कंपनी से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप ऑनलाइन कॉन्टैक्ट करके अपना लॉक मंगवा सकते हैं जो कोरियर के थ्रू आपके घर या एड्रेस पे पहुंच जाएगा। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको मेरा ये सेशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।